दोस्तों, क्या आप अपने YouTube चैनल की वीडियो को खुद प्ले कर कर देखते हैं, या आपके चैनल पर जो वीडियो हैं वो गलती से आपसे क्लिक हो जाती हैं और प्ले हो जाती हैं, या आपके चैनल की जो वीडियो हैं उन पर जो ऐड आता है उन पर आप क्लिक करते हैं या ऐड को पूरा देखते हैं? तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वरना आपका यूट्यूब कैरियर खतरे में जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में घंटा आएगा उसको क्लिक करके ऑल को ऑप्शन शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखिए और ध्यान से समझिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक यूट्यूबर के लिए उसके खुद के चैनल की वीडियो देखना कितना सेफ है या कितना खतरनाक है, ये आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा। फिर इसके बाद जो है आप कुछ ऐसी गलतियां मत कीजिएगा, वरना आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप खुद से अपनी खुद की वीडियो देखते हैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए या वीडियो को वायरल करने के लिए, तो ये आपके लिए सही है या गलत? तो दोस्तों देखिए, YouTube पॉलिसी के अनुसार आप खुद की वीडियो नहीं देख सकते। आप जो भी अपने चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं वो दूसरों के हेल्प और सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं, और अगर आप खुद की वीडियो बार बार क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मोनेटाइजेशन से पहले बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं कि खुद की वीडियो को बार बार देखते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से हमारा व्यूज इंक्रीज हो जाएगा, हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा और हमारा जो है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आप अपने चैनल को कहीं ना कहीं डेड लाइन पर ले जा रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना स्मार्ट हो चुका है कि अगर आप अपनी खुद की वीडियो को बार बार देखते हैं और आपको लगता है कि अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ऐड पर क्लिक करने का कोई खतरा तो है नहीं, तो हम बार बार अपनी वीडियो को देखकर व्यूज बढ़ा लेते हैं, वॉच टाइम बढ़ा लेते हैं, लेकिन 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 जो YouTube का एल्गोरिथम है वो सारी चीज़ें दोस्तों नज़र में रखता है। आपको पता है कि जो हमारा फ़ोन रहता है, अगर हम इससे जो है अपनी खुद की वीडियो को बार बार देखते हैं तो इसमें का जो आईपी एड्रेस रहता है वो जो है YouTube का एल्गोरिथम चेक करता रहता है कि किस आईपी एड्रेस से वीडियो पर क्लिक हो रहा है या वीडियो पर बार बार वॉच किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक ही आईपी एड्रेस जिसमें कि आपका चैनल लॉगिन है और उसी आईपी एड्रेस से अगर आप अपनी खुद की वीडियो को बार बार देखते हैं तो YouTube का एल्गोरिथम एक काउंट कर लेता है और आपका चैनल धीरे धीरे जो व्यूज आने वाला भी रहता है उसको भी वो सजेस्ट करना बंद कर देता है। मतलब अगर आप अपनी वीडियो को डालकर छोड़ देते हैं तो YouTube उसको खुद सजेस्ट कर जो है उस पर व्यूज लाएगा, लेकिन उसको अगर आप बार बार खुद क्लिक कर कर देखते हैं ताकि जो है आपको लगे कि आपको लगता है कि व्यूज और वॉच टाइम बढ़ जाएगा, तो ये आप अपने चैनल के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, और आपका चैनल मोनेटाइज जो जल्दी होने वाला होगा उसमें और भी ज़्यादा समय लग जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बताते हुए मिल जाएंगे कि खुद की वीडियो को बार बार क्लिक करते रहो, आपका वॉच टाइम सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप कर रहे थे तो आज से गलती मत कीजिएगा। अब दोस्तों, आपको बताते हैं यूट्यूबर की सबसे खतरनाक गलती जिसको करने के बाद यूट्यूबर के पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल को बहुत मेहनत करने के बाद लोग मोनेटाइज करते हैं, मोनेटाइज होने के बाद खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है और उनको लगता है कि अब हम जो है यूट्यूब चैनल से पैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो भी चैनल मोनेटाइज होते हैं उनके ना तो अर्निंग होती है ना ही जो है उनके चैनल पर व्यूज आते हैं। तो यूट्यूबर जो है करते क्या हैं, वो अपने ही चैनल की वीडियो को खुद जो है बार बार प्ले करते हैं, उस पर जो ऐड आता है उस पर क्लिक कर कर देखते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि अगर आपके ऐड पर ज़्यादा क्लिक होगा तो ऐड आने से ज़्यादा क्लिक होने पर पैसे मिलते हैं। तो अगर आप खुद के ऐड पर क्लिक कर रहे हैं बार बार और उससे आप अपने जो है पैसे को बढ़ा रहे हैं, या आप किसी दूसरे के फ़ोन से भी अपने वीडियो को प्ले कर कर बार बार ऐड पर क्लिक करके अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो है आपके लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूबर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग तो अच्छे से काम करते हैं, अगर उनको जो है गलती से वीडियो पर क्लिक हो जाता है या ऐड पर क्लिक हो जाता है गलती से, तो इसको यूट्यूब इग्नोर करता है। दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर गलती से आपके वीडियो पर क्लिक हो जाता है, आपकी वीडियो प्ले हो जाती हैं, तो उसको यूट्यूब इग्नोर करता है। आपके वीडियो पर जो ऐड आती हैं उस पर अगर गलती से आप क्लिक कर देते हैं तो यूट्यूब उसको इग्नोर करता है। लेकिन अगर आप खुद से बार बार अपनी वीडियो पर जो ऐड आ रहे हैं उस पर क्लिक कर रहे हैं, बार बार अपनी वीडियो को प्ले कर रहे हैं,
आफ्टर मोनेटाइजेशन। तो ये जो है आप अपने यूट्यूब कैरियर के लिए बहुत ही गलत रास्ता अपना रहे हैं दोस्तों। ऐसा आपने बहुत सारे यूट्यूबर को कहते हुए सुना होगा कि अगर आपकी यूट्यूब अर्निंग कम हो रही है तो आप अपने चैनल की वीडियो को बार बार प्ले कर उसके ऐड पर क्लिक कीजिए, आपकी अर्निंग दुगुना चौगुना होने लगेगी। दोस्तों ऐड पर क्लिक होने से अर्निंग तो दुगुना चौगुना हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आप क्लिक करते हैं खुद के चैनल से, खुद के वीडियो पर, या आप अपने स्मार्टफोन में किसी दूसरे जीमेल से लॉगिन कर उससे अपना चैनल ओपन कर खुद की वीडियो देखते हैं, खुद के ऐड पर क्लिक करते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक है। इससे जो है दोस्तों एडसेंस आपका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी काउंट करता है और एडसेंस परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। और आपको पता है कि चैनल मोनेटाइज है और एडसेंस लिंक है, और एडसेंस सस्पेंड हुआ तो आपका चैनल कहीं का नहीं रहेगा, आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, आपका यूट्यूब करियर हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप गलती से अपने वीडियो पर क्लिक कर दिए, आपका वीडियो प्ले हो गया, या गलती से जो वीडियो प्ले हो रही है उन पर ऐड आ गया, एक दो बार ऐड पर क्लिक हो गया तो चलेगा, YouTube का एल्गोरिथम एक दो बार तीन बार जो है गलतियों को माफ करता है। लेकिन अगर बार बार अगर आप ऐसा कर रहे हैं, या अपने फ़ोन से या किसी दूसरे फ़ोन से या फ्रेंड के फ़ोन में या किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोन से आप अपनी वीडियो को बार बार प्ले कर देख रहे हैं, या बार बार अपनी वीडियो को प्ले कर उस पर जो ऐड आ रही है उन पर क्लिक कर रहे हैं, या आप VPN का इस्तेमाल कर वीडियो को प्ले करवा रहे हैं, उस पर ऐड आ रही है उसको क्लिक कर रहे हैं, या आप जो है किसी कंप्यूटराइज सिस्टम से बॉट लगाए हैं अपने ऐड पर बार बार क्लिक करने के लिए, तो ये जो है आपके यूट्यूब करियर के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही से करना बंद कर दीजिए, वरना आपका एडसेंस जो है खतरे में है और आपका यूट्यूब करियर भी हमेशा के लिए जो है खत्म हो सकता है। दोस्तों मेरे पास जो है बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर गलती से हमारी वीडियो हमसे क्लिक हो गई, प्ले हो गई, अब हम क्या करें, हमारा यूट्यूब चैनल खतरे में चला जाएगा कि नहीं। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर गलती से वीडियो क्लिक हो गई, प्ले हो गई, या आपके ऐड पर गलती से क्लिक हुआ है तो वो तो इग्नोर हो जाएगा, एक दो तीन बार क्लिक होगा इग्नोर हो जाएगा। हम लोग से भी हमारे वीडियो के जो ऐड आते हैं उन पर क्लिक हो जाते हैं, या हमारी वीडियो खुद हम प्ले कर एक दो बार जो है देखते हैं कि वीडियो सही चल रही है कि नहीं, तो ऐसा जो है इग्नोर किया जाता है YouTube के एल्गोरिथम के अनुसार। लेकिन अगर आप खुद की ही वीडियो को खुद से बार बार प्ले कर रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड जो है आपकी वीडियो को बार बार प्ले कर रहा है, उस पर जो ऐड आ रही है बार बार क्लिक कर रहा है, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं आपका अर्निंग तो बढ़ जाएगा लेकिन बाद में सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब के पॉलिसी के अनुसार कोई भी यूट्यूबर अपने खुद की वीडियो के ऐड पर क्लिक नहीं कर सकता, या खुद के वीडियो के ऐड को देख नहीं सकता। केवल ये जो है व्यूवर्स क्लिक कर देख सकता है, वो भी जो है व्यूवर्स को अगर उसकी ज़रूरत होती है तो, वरना आपके एडसेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका एडसेंस परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है। बहुत सारे नए यूट्यूबर ये गलतियां करते हैं और अपने चैनल और अपने यूट्यूब कैरियर से हाथ धो देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अक्सर नए यूट्यूबर ये गलती करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे यूट्यूबर की हेल्प करने के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटा आता है उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए मेरे दोस्त, आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।